नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चलिए जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा था। उधमपुर में देर रात सीबीआई की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तथा जूनियर इंजीनियर 1.5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए। इस समय की सबसे जो बड़ी खबर आ रही है वो उधमपुर के पीडब्ल्यूडी विभाग से आ रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है बीती रात जो है सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई है, जिसमें 3 अधिकारियों को जो है हिरासत में लिया गया है। रंगे हाथों जो है रिश्वत लेते हुए जो है उन्हें हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि एससी, एई और जेई जो 3 अधिकारी थे, इन्हें रिश्वत लेते हुए जो 1.5 लाख की राशि बताई जा रही है, 1.5 लाख के करीब जो राशि थी वो लेते हुए सीबीआई द्वारा इन्हें हिरासत में लिया गया। आपको बता दें कि ये जो मामला था, रियासी के ठेकेदार द्वारा जो है सीबीआई को सूचित किया गया था कि उसकी जो कोई जो पेंडिंग जो पेमेंट थी उसको लेकर जो है इन अधिकारियों द्वारा जो डिमांड की जा रही थी कि जो उसकी पेमेंट है उसमें से कुछ जो है इन्हें हिस्सा दिया जाए, जिसमें ये सामने आया कि 1.5 लाख के करीब जो राशि उसे जो है मांगी जा रही थी। और बीती रात जो है उस इन 3 लोगों के पास जो है 1.5 लाख के करीब जो है राशि बरामद की गई है और तीनों लोगों को जो है सीबीआई द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। बॉयज सेकेंडरी स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा विश्व विकलांगता दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इनके लिए भी जोरदार तालियां, क्योंकि बड़ी ही डेडिकेटेड है अपने काम के लिए। इन्होंने जो ये इस बच्चे के लिए के नौजवानों के लिए यह संदेश है, अच्छी अच्छी चीजें छोड़कर और कुछ बेकार सी चीजें खाते हैं, उनके लिए ये मेरा संदेश है। जैसे महान लोगों की अगर हमारे साथ स्पोर होगी तो हमारी आंख कभी नम नहीं होगी। अगर आप जैसे महान लोगों की हमारे साथ स्पोर होगी तो हमारी आंख भी नम नहीं है। और ये मत समझना स्पेशल बच्चे भी किसी से कम नहीं है। अंग्रेजी कने पमे जुड़ियो, डोगरी मखीर मिठी नहीं छुड़ियो, डोगरी मखीर मिठी नहीं छुड़ियो। तीजे खंदे मोमोज कने पर गर जी, तीजे खंदे मोमोज कने पर गर जी, कंब दिया लता दो ऐ थर थर जी, कंब दिया लता दो ऐ थर थर जी। करो पीजे बंद तुस पियो दुध जी, बनो बलवान कने जीतो जुद जी। जो भी CWSN बच्चे हैं, हम आज की टर्मिनोलॉजी में उनको डिसेबल तो नहीं कहते, हम उनको कहते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। बच्चे जितने भी ये CWSN में आते हैं उनकी भी अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। हर बच्चा किसी न किसी फील्ड में एफिशिएंसी रखता है, इसलिए हमारा सब समाज का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन बच्चों को, इनसे हमदर्दी नहीं बल्कि इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इनको समाज में इनका जो हक बनता है वो पूरा हक दिलाने के लिए ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हमने यहाँ पे स्कूल में रखा हुआ है, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में। यहाँ पे हम हमारे बहुत से बच्चे हैं, तकरीबन 1200 के करीब बच्चे हैं जो एनरोल्ड भी हैं हमारे स्कूलों के अंदर। हम उनको मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, उनके लिए हमारे पास सेंटर्स बने हुए हैं, स्पेशल सेंटर्स बने हुए हैं CWSN के, जिसमें हमारा स्पेशल स्टाफ रहता है जो उनको गाइड करता है। जैसे जो बच्चे जिनको दृष्टि की कोई प्रॉब्लम है, साइट की प्रॉब्लम है, उनके लिए वैसे ही इक्विपमेंट हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बाकी बच्चों की तरह पढ़ सकें, समाज में आगे बढ़ सकें। इसी तरह से कुछ एड्स वगैरह भी हम बच्चों को देते हैं, जिनको सुनने में या बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी एड्स हम रखते हैं। चलने फिरने में जिनको प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी व्हील चेयर्स वगैरह का इंतज़ाम रहता है। और हमारे ये सेंटर्स जो हैं इन बच्चों की जहाँ तक हो सके हम मदद करते हैं ताकि ये बच्चे समाज के दूसरे बच्चों की तरह जीवन व्यस्त कर सकें, उनको पूरी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, पूरे मौके मिल सकें अपनी काबिलियत दिखाने का, और इस समाज में आगे बढ़कर अपने पाँवों पे वो खड़ा हो जाएं, अपनी रोजी रोटी कमा सकें और उनको किसी हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े, यही प्रयास रहेगा हम सब के। जो दूर दराज के हमारे इस वक्त 3 सेंटर्स चल रहे हैं, रामनगर में भी हमारा सेंटर चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है, गोडरी में सेंटर्स चल रहे हैं, तो वो बच्चे वहाँ पे जा सकते हैं। और उसके बाद जो बच्चे हमारे किसी स्कूल में भी पढ़ते हैं, अगर वो भी वहाँ की एजेंसीज़ के साथ या वहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल्स या स्कूल्स के हैं उनके साथ अगर हम कंटेक्ट वो वहाँ करें
तो हम उनको भी डायरेक्शंस देते हैं कि उनको वहीं पे उन्हीं के स्कूल्स में पूरी तरह की मदद की जाए ताकि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम वहाँ पे ना आए और वो बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ सकें। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर उधमपुर में स्थित दिव्यांग आश्रम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पद्मश्री प्रोफेसर शिवदत्त निर्मोही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जो मुख्य अतिथि पद्मश्री शिव नरवोही जी, हम इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। जैसे आपको ज्ञात होगा, पिछले दिनों भारत सरकार ने, राष्ट्रपति जी ने जो हमारे उधमपुर की, हमारे राज्य की आज विश्व दिव्यांग दिवस है जो 3 दिसंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। तो आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम आज के जो दिव्यांग दिवस पे जे था कि आदरणीय पद्मश्री श्री श्री नरवोही जी से मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती, इनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी थी और आज उनसे मिलने का मौका मिला और उनको हमने सम्मानित भी किया। तो आज हमने हमारे दिव्यांग सेवा आश्रम ट्रस्ट के जितने भी सदस्य हैं उनको भी सम्मानित किया गया और बहुत सारे दिव्यांग जो जिनकी हम सेवा कर पाते हैं उनको भी बुलाया था, उनको भी कुछ सेवाएं आज देनी हैं। तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप हमेशा हमारा मैसेज जो है वो समाज तक पहुँचाते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि जो दिव्यांग बहुत बहुत दूर दराज अपने घरों में पड़े हुए हैं और उनकी बहुत सारी नीड्स हैं लेकिन जो सरकार तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, जब सरकार का और उनका आपस में संपर्क नहीं हो पाता है, तो हम घर घर जाकर ऐसे दिव्यांगों को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनको समाज के जो सेवादार लोग हैं उन तक उनको मैसेज पहुँचाते हैं और किसी न किसी तरीके से उनकी जिसमें दवाइयाँ आती हैं, जिसमें कपड़े आते हैं, अब सर्दियों में हम गर्म कपड़े प्रोवाइड करेंगे। और जो दिव्यांग, हमारा एक और मुद्दा भी है कि जो भीख मांगते हैं रोड पे, हमको वो उनका उस परंपरा को बंद करवाना है और हम चाहते हैं कि जो रोड पे बैठे उनका कोई भी नहीं, अकेले हैं, उनको हम जहाँ पे लाएंगे और उनको रहना पीना फ्री देंगे और उनको जैसा भी समाज के और जो उधमपुर शहर के लोग हैं, मतलब जो समाज के हित में और गरीब लोगों के हित में जो विचार रखने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ही सहयोग से जो हो पाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इससे ज़्यादा नहीं, मैं सबसे पहले मैं दिव्यांग सेवा आश्रम का बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मेरा अभिनंदन किया है। ऐसे तो मैं पूरे भारत में घूमा फिरा हूँ, मैंने दिव्यांग आश्रम भी देखे हैं, वहाँ की व्यवस्था भी देखी है, लेकिन जितना मैं जहाँ आकर के अभिभूत हुआ हूँ, विकलांगों से मिलकर के जितना मैं द्रवीभूत हुआ हूँ, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। पुरुषोत्तम जी से मिलकर के मुझे असीम प्रसन्नता हो रही है कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए था जो दिव्यांग हैं, और आज दिव्यांग जो हैं ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत एक गर्व का विषय है कि एक ऐसे व्यक्ति जो असमर्थ हैं वो हमें अपने आश्रम में बुला करके और हमें फूलों के हार पहना रहे हैं, इससे अधिक और गर्व की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं ये अनुभव करता हूँ कि जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो वहाँ जावेद टॉक जो इनके मित्र हैं, जब उनको पद्मश्री मिल रहा था तो मेरे मस्तिष्क में
तब पुरुषोत्तम जी घूम रहे थे और तब मुझे लग रहा था एक ना एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि राष्ट्रपति भवन में भी इनकी सेवाओं को सराहा जाएगा। मैं जो प्रयास करूंगा इनका नाम जो है वो भारत सरकार को भेजा जाए और इनकी सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना उसको प्रस्तुत किया जाए। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, इनका मैं बहुत ही आभारी हूँ। मैं हृदय से ये चाहता हूँ कि इनमें एक नई ऊर्जा आए, एक नया जोश आए समाज सेवा के क्षेत्र में। ये जो अपूर्व कार्य कर रहे हैं इसमें इनको और ज़्यादा समर्थ। आज इस आश्रम में आकर के मुझे सबसे जो बड़ी प्रेरणा मिली है वो यही मिली है कि इस क्षेत्र पर हमारे साहित्यकारों की बहुत कम दृष्टि गई है। कहीं कहीं उपन्यास में कहानियों में दिव्यांग पात्र आए हैं लेकिन उनके सर्वांग जीवन पर किसी दिव्यांग पर कोई उपन्यास लिखा गया हो, कहानी लिखी गई हो, ऐसी कोई पुस्तक मेरी दृष्टि में नहीं आई है। अब मैं ये प्रयास करूँगा कि समाज का ये जो उपेक्षित वर्ग जो है इसको राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए, इनकी समस्याओं को उभारा जाए। मैं पुरुषोत्तम जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित हुआ हूँ। कल ही हम भिखारियों पर बात कर रहे थे कि भारत में एक ऐसा वर्ग है जो भीख से जीवन व्यतीत करता है और उनके आजीविका का मुख्य साधन ही भीख मांगना है। आज पुरुषोत्तम जी ने उनके विषय में जो बात की है मेरे विचारों को और उत्तेजित किया है। मैं ये समझता हूँ इससे अधिक और कोई समाज सेवा नहीं हो सकती है। जिस राष्ट्र को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इनका भी मार्गदर्शन किया जाना चाहिए और मैं पुरुषोत्तम जी के विचारों से अति प्रभावित हुआ हूँ। ये मेरी पुस्तकें भी पढ़ते हैं। आज मैं अपनी नई पुस्तक डुग्गर संस्कृति और विरासत इनको भेंट करने आया हूँ। मुझे आशा है कि ये मेरी किताब पढ़ेंगे। मैं इस आश्रम के विषय में, इस आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के विषय में और जम्मू कश्मीर में जितने भी दिव्यांग आश्रम हैं उन पर एक अलग से पुस्तक निकालने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।